हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास एट बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास एट के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 7E में ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज 7A से लेकर 7D के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 है 7A² - 63B², ठीक है। हमने इसका आंसर निकालना है, फिर जो सही आंसर है वो देखना है कि ऑप्शन में कहाँ पर है, उसको हमने टिक करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ना तो 7 का स्क्वायर हो सकता है ना ही 63 का स्क्वायर हो सकता है, बट हमें पता है कि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 63 भी आता है। तो हम क्या करते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया A² और 7 9 = 63, 9B² आ गया। अब हम इसके देखते हैं ये किसका स्क्वायर बनता है। अब स्टूडेंट, जो A है यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, A² बन जाएगा और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3B² बन गया, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, A² B² होता है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, A - B A + B, ठीक है। तो 7 एज इट इज़ लिखेंगे। अब A - B, तो A को हम मान लेते हैं A और B को मान लेते हैं -3B, तो A - B लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A लिया और -3B आ गया। उसके बाद A + B, A हमारा A था प्लस और बी हमारा क्या है 3B, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 7A - 3B A + 3B, सेम जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन 1 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2, वो है 2X - 32X³। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 के टेबल में 2 भी कट सकता है और 32 भी कट सकता है, और दोनों में एक्स है, तो यहाँ पर जो है एक्स की पावर 1 है, तो इसको हम 2X को कॉमन ले लेते हैं। अब बच्चों, 2X से 2X कट गया तो हमारे पास क्या आया, 1 आया ना। जैसे 2X से आप 2X काटेंगे तो हमारे पास 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। माइनस का साइन लगाएंगे, 2 1 = 2 2 6 = 12 लिख दिया। और यहाँ पर X³ है, यहाँ पर X है, तो 1X कट गया, तो यहाँ पर आ गया X² आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 2X 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 आ सकता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो X² लिख देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बन गया हमारा A² - B² सेम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2X, A हमने 1 को मान लिया, B हमने 4X को मान लिया। तो पहले A - B A 1 है और B क्या है हमारे पास 4X है, और फिर A + B A हमारे पास 1 है प्लस B क्या हमारे पास 4X है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 2 का। और ये कौन से ऑप्शन में है, 2X 1 - 4X 1 + 4X, ये डी ऑप्शन में है, सेम जो है डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3, X³ - 144X। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखने हैं कि यहाँ पर X³ आ गया। देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, तो हमने पहले देख लेना कॉमन कौन सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर कॉमन निकाल दें, एक्स कॉमन है, एक्स को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, X² रह गया। और यहाँ पर 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, और एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 12 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर A² - B² बन गया, तो अब A - B A को हम X मान लेते हैं, B को हम 12 मान लेते हैं, तो A हमारे पास X आ गया माइनस B हमारे पास क्या आ गया 12, और A + B A हमारे पास X है प्लस B हमारे पास क्या है 12। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। और ये सेम आंसर कौन से ऑप्शन में, X - 12 X + 12, ये सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
क्वेश्चन फोर है 2 - 50x2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें पता है ना तो 2 का स्क्वायर है कोई, ना ही 50 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि 2 के टेबल में 2 भी कट जाएगा और 50 भी कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को हमने कॉमन मान लिया, यहाँ पर आया 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें पता है जो 25 है 5 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 5x² बन गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये बन गया a² - b², ए हम 1 को मान लेते हैं, बी हम 5x को मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए क्या है 1 माइनस बी क्या है 5x, उसके बाद ए प्लस बी, ए क्या है 1 प्लस बी क्या है 5x। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया। और सेम कौन सी ऑप्शन में है ये, 2 1 - 5x, 1 + 5x, ये डी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 4 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 5 करेंगे, क्वेश्चन 5 क्या है, a² + bc + ab + ac। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया है, तो इसमें स्टूडेंट्स कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ए स्क्वायर और ए बी का ग्रुप बना लें तो इसमें ए कॉमन आ जाएगा, बी सी और ए सी में सी कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका ग्रुप बना लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये ग्रुप बन गया, इनमें स्टूडेंट्स कॉमन क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए प्लस ए से ए कट गया, बी आ गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, सी कॉमन हुआ सी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी, और यहाँ पर यहाँ क्या क्या आ गया, सी कट गया ना, यहाँ पर भी सी कट गया, ए आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको ए प्लस बी लिख लो या बी प्लस ए लिख लो, एक ही बात है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, प्लस सी ए प्लस बी, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ए प्लस सी ए प्लस बी। अब ये कौन सी ऑप्शन में आया है, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ये हमारे ए ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 5th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब क्वेश्चन 6 करेंगे, क्वेश्चन 6 में क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पर ब्रैकेट में पी माइनस 1 है, माइनस 1 स्टूडेंट ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, अब क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू आया, और यहाँ पर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इनका ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया, इसमें से स्टूडेंट्स आप देखोगे पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू को हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है, पी से पी कट गया, क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर सिंगल क्यू रह गया, प्लस अब पी क्यू से पी क्यू कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस 1 लेंगे कॉमन, क्योंकि 1 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 1 = 1 आ जाएगा, ये दोनों सेम होगी। अब हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू माइनस 1 क्यू प्लस 1। अब ये देखेंगे कौन सी ऑप्शन है 6 की, पी क्यू माइनस 1, पी क्यू माइनस 1 और क्यू प्लस 1, स्टूडेंट्स ये डी ऑप्शन में है, पी क्यू माइनस 1 एंड क्यू प्लस 1, ये डी ऑप्शन में है, तो 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या है, ए बी माइनस एम एन प्लस ए एन माइनस बी एम, ठीक है बच्चों, ए बी माइनस एम एन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे अगर हम इनका ग्रुप बनाते हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, तो हम पहले ग्रुप बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, ए बी और ए एन का ग्रुप बना लेते हैं, माइनस एम एन और माइनस बी एन का इधर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी है प्लस ए एन इधर ले आई मैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस बी एम है और माइनस एम एन को मैंने इधर ले आया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ए से ए कट गया, यहाँ पर आ गया बी, और यहाँ पर ए से ए कट गया, यहाँ पर आ गया एन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कॉमन है, माइनस का साइन एम कॉमन है, तो यहाँ पर हमने बी लिखा,
अब बाहर ब्रैकेट का साइन है तो नीचे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर एम से एम कट गया तो एन आ गया, ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पर आ गया ए माइनस एम बी प्लस एन। तो क्वेश्चन 7 का ए माइनस एम बी प्लस एन, पहले तो ए माइनस एम ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। ए माइनस एम बी ऑप्शन में है और साथ में बी प्लस एन भी है, तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 8 है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन। अब स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, इसमें से ए कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वन पे भी चला जाएगा तो हम क्या करते हैं, इनमें से ए कॉमन ले लिया, तो ए से कट के यहाँ पर आ गया बी माइनस, अब ए से ए कट के यहाँ पर आ गया वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच्चों माइनस, अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ पर बी है वन है तो वन कॉमन लेंगे, ठीक है, बी आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है ब्रैकेट के, माइनस का तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा वन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, तो ए माइनस वन बी माइनस वन, ये हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर आया है। अब ये देखते हैं ये आंसर कौन सी ऑप्शन में, ए माइनस वन बी माइनस वन, आई थिंक ए ऑप्शन में ही है, यस ए ऑप्शन में ही है, क्योंकि हमें ए माइनस वन बी माइनस वन चाहिए, तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक बार दोबारा चेक कर लें स्टूडेंट्स, जब भी मैं ये क्वेश्चन सारती हूँ तो मैं इनको दोबारा जरूर चेक करती हूँ, और स्टूडेंट्स सच करती हूँ मुझे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और आई होप आपको भी ये जो है इंजॉय कर रहे होंगे और आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हम इनको कॉमन मानते हैं क्योंकि इनमें कॉमन है, यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स है तो कट गया, एक एक्स कट गया तो यहाँ पर एक्स रह गया, माइनस ये एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पर रह गया जेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन क्या है, वाई प्लस वाई, ठीक है, अब वाई से वाई कट गया तो यहाँ पर रह गया एक्स माइनस, अब वाई से वाई कट गया यहाँ पर रह गया जेड। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में सेम हमारे पास एक्स माइनस जेड आ गया, तो आप एक्स माइनस जेड भी पहले लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो ये कौन सी ऑप्शन में, ये हमने देखना है एक्स माइनस जेड एंड एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड एक्स वाई, तो स्टूडेंट ये सी ऑप्शन में है, तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी।